ये रिश्ता क्या कहलाता है। नॉक करके अंदर आया करो। We are on the same team, इसका मतलब ये नहीं है कि जब जहां दिल करे मुंह उठा के घुसाओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे। अभिमन्यु ने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने पुलिस बुलवा ली। What was all that? उसे जाने दीजिए ना, वो बात हो गई, उसे भूल जाइए। हम आगे की बात करते हैं। इस हॉस्पिटल में कोई मेजर चेंजेस आने वाले हैं क्या? कोई हाई प्रोफाइल जो हॉस्पिटल हैंडल कर रहा हो या ऐसा कुछ भी? नथिंग दैट आई नो ऑफ, मतलब मेरी नॉलेज में तो नहीं है। क्यों पूछ रही हो? नहीं है। गुड, मतलब मेरे हाथ में कोई बहुत बड़ी चीज लगी है। अब मुझे सिर्फ पता करना है। थैंक यू। अब क्या नया ड्रामा करने वाली है ये लड़की? अक्षु के एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले आपने उसे ट्रीट किया था, डायग्नोज किया था। आपसे डिस्कस करना जरूरी। सुनिए, मैं आपसे आके बात करता हूँ। जी बैठ। शायद उसने वो फाइल यही रखी होगी, घर में तो अब वो रखेगा नहीं। ये ड्रॉर लॉक्ड है, मतलब फाइल इसी में। मैं क्या करूं? अगर अभिमन्यु ने मुझे यहां देख लिया ना, कल तो गलती से हाथ लगा था, आज सच में थप्पड़ मार देगा। वो जमाना गया जब लोगों के राज लॉकर्स में छुपे रहते थे। अब अगर किसी का राज जानना हो तो उनका फोन ही देख लो। डॉक्टर अय्यर का मैसेज है। डॉक्टर अय्यर, ये नाम तो बिरला हॉस्पिटल में मैंने सुना नहीं। स्क्रीन लॉक्ड। अक्षरा, तू मुझे बहुत अच्छे से जानती है, पर मैं तुझे और तेरे पति दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम दोनों वो इंजन नंबर 1111 वाले स्टूपिड कॉन्सेप्ट में बहुत विश्वास करते हो ना, कि अगर घड़ी में 11:11 बज जाए और हमने देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ क्या हो जाएगा। ही तुम्हारे पास मेरा फोन क्यों है? वेरी बैड अभिमन्यु, वेरी बैड। कैसे निर्दयी और निर्लज्ज पति हो तुम। अरे पति छोड़ो, डॉक्टर हो ना तुम। एक डॉक्टर का फर्ज है कि वो अपने पेशेंट को सब कुछ सच सच बताए, और तुमने अपनी पत्नी को ही नहीं बताया कि उसके लिए प्रेग्नेंट होना लगभग इम्पॉसिबल है, कि अगर उसने कंसीव कर भी लिया तो उसे कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। मुझे तो पढ़ के ही डर लग रहा है, बुरा लग रहा है अक्षु के लिए। इतना बड़ा राज छुपाया तुमने, तो धोखा कर दिया अक्षु के डॉक मैन ने उसके साथ। दुराचार, अत्याचारी, बोलो सॉरी। बेचारी मेरी बहन, उसे जब ये पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है तो जो भी उछल रही है ना, धड़ाम से जमीन पे आके गिरेगी।
मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि उसे किस बात का ज्यादा शौक लगेगा, इस बात का कि उसके माँ बनने में इतना बड़ा रिस्क है, या इस बात का कि उसके पति ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। धीरे से वापस लिया है अपना फोन। बाद में ये मत बोलना कि अभिमन्यु ने छापड़ मार दिया। And this is my personal matter. अपने काम से काम रखो, जाओ शादी शादी, घर घर, हस्बैंड वाइफ, जो खेलना है खेलो, मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो, जाओ। तुझे पता है किसी ने गिफ्ट में ना ये लड्डू गोपाल दिए, और जैसे ही मैंने इन्हें हाथ में लिया सामने से तू आती हुई दिखाई दी, तो मन में ऐसे ही ख्याल आ गया। क्या तूफान के पहले की शांति है? बहुत खुश हो तुम? वो तो गुड फॉर यू। ये आज मैं ऊपर आसमान नीचे कहीं और जाके करो, जाओ आउट। पर मैं एक बात बोल के जाऊंगी, आपको मेरी बहन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दिल टूट जाएगा उसका। अरे बचपन से बेबीज का कितना शौक है उसे, हैशटैग ममता की मूरत। तुम्हें पता है हॉस्पिटल में जब बच्चे पैदा होते हैं तो नर्स क्या कहती है? बधाई हो, बेटा हुआ है, बेटी हुई है। अक्षरा पैदा हुई होगी तब नर्स ने पता है क्या कहा होगा? बधाई हो, अक्षरा मम्मा हुई है। हाई फाइव, हाई फाइव, नो, ओके। सीरत माँ से प्रॉमिस किया था उसने, इसलिए तो उसने मेरा भी ख्याल रखा। डिस्क्लेमर, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा वो खुद क्लेम करती है। बट या माँ बनने का तो उसे बड़ा शौक है। बहन हूँ उसकी, बचपन से देखती आ रही हूँ, जानती हूँ उसे। कोई भी बच्चा देख जाना उसकी ममता ओवरफ्लो होने लग जाती है। शिवू को ही देख लो, बेचारी कितना फील करती है उसके लिए। अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलती है, इंसानों के बच्चों का छोड़ो, कुत्ते बिल्लियों के बच्चों को भी देखती है ना, तो अक्षु घोष। अब तुम सोचो अगर उसे ये पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है तो उसका हो जाएगा। आरोही अभिमन्यु, लाइन तो क्रॉस हो चुकी है। तुम फाउल फाउल चिल्लाते रहना, ये मैच मैं जीतूंगी। मैं गलत हूं ये तुम जानते हो, पर मैं कितना गलत जा सकती हूं इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। और अब तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते, तो बस देखो देखो कि मैं क्या करती हूं। ये सच अक्षु को पता चलेगा, अभी पता चलेगा। आरोही, ये रिश्ता क्या कहलाता है?